लोग बचत के साथ साथ खुशियों के रंग आपके बीच लेकर आए हैं। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मेरा शहर तालियों से उठेगा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर मस्जिद गिरिजा द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। मेरे मित्र हैं पुलिस में, बड़े अधिकारी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली के नज़दीक। पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने कहा लड़के से कि देख बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है और मैं हर समय VIP लोगों में घिरा रहता हूँ, सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पूछा डैडी से, डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझाया कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी एक थे। दो विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, वो दो थे। तीन विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोला समझ गया। लड़का रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार की। माँ सरस्वती की वंदना हुई और इसके साथ मुस्कुराहट के रंग, खुशियों के रंग आपके साथ बिखरने चल रहे हैं। कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे कि किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि ने क्या कल्पनाएं की हैं। पूरी दुनिया में मेरे ये छंद लोकप्रिय हुए हैं। बहुत अच्छे। लखनऊ आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम, खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन जरा मिलकर रिद्म आनी चाहिए, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। हाय हाय। अगली पंक्ति में पंडित जी को सौंपता हूँ। पंडित अनिल चौबे, क्या उनकी मस्ती है। आपको लगे कि सही पंक्ति सही व्यक्ति को सौंपी है, तो पंक्ति के सम्मान में भी और चौबे जी के सम्मान में भी आपका स्नेह आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम, लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती। मैं कविता सुना रहा हूँ हास्य व्यंग में, तो जरा मोहब्बत भी बढ़े। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम।